डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन टू यूएमएल, दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। सबसे पहली चीज तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज जस्ट अ जनरल मॉडलिंग लैंग्वेज जिसका मेनली पर्पज क्या है, चीजों को विजुअलाइज करना। मतलब जिस प्रोडक्ट को, जिस वेबसाइट को, ऐप को, जो भी चीज आप बनाने जा रहे हो उसका पहले एक मॉडल, एक ब्लू प्रिंट तैयार करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में आपकी रिसेप्शन में एक मॉडल जो है वो देखा होगा, पूरी बिल्डिंग का एक मॉडल। वो मॉडल एक्चुअल में क्या है, जो एक्चुअल में चीज बनेगी उसका एक डिपिक्शन वर्जन है, उसका जस्ट हमने एक डिपिक्ट करके देखा है, विजुलाइज किया है, दैट इज एक्चुअली द यूएमएल बेसिक पर्पस। तो यूएमएल में हमारे पास दो तरीके से डायग्राम बनाए जाते हैं, एक है बिहेवियर डायग्राम और दूसरे है स्ट्रक्चर डायग्राम। बिहेवियर डायग्राम में हमारे पास फर्दर आ जाते हैं एक्टिविटी डायग्राम, इंट्रैक्शन डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, यूज केस डायग्राम, इवन इंट्रैक्शन में भी फर्दर आ जाते हैं कम्युनिकेशन, सीक्वेंस, टाइमिंग। जस्ट आप इन नेम्स को नोट कर लो, क्योंकि एक एक करके इन सारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। इनमें मेनली यूज केस डायग्राम एंड एक्टिविटी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम। स्ट्रक्चर डायग्राम में हमारे पास आ जाते हैं जैसे क्लास डायग्राम, वेरी पॉपुलर, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम। और यहां पे अगर सबसे पहली चीज आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि इन दो डिफरेंट डायग्राम्स को बनाने का पर्पस क्या है, तो अगर हम बात करें बिहेवियर की, तो बिहेवियर डायग्राम्स में हम लोग बात करते हैं डायनामिक एस्पेक्ट्स की, और यहां पे बात करते हैं हम स्टेटिक एस्पेक्ट की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, अगर आप एक कार का एग्जाम्पल लो, अब कार में स्टेटिक कंपोनेंट, जैसे मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, कार, अब सबने कार तो देखी हुई है, इसी कार में मैं इसकी फुल फॉर्म यहां पे लिख रहा हूं, मतलब कार वही है जो हम चलाते हैं, लेकिन कार का यहां पे देखो, सबसे पहले आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, कंपोनेंट, सी से बना दो इसका कंपोनेंट। मतलब स्ट्रक्चर डायग्राम में सबसे पहली चीज क्या बात की जाती है, कंपोनेंट, कि आपके जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। जैसे कार है, कार में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इंजन एक कंपोनेंट है, व्हील एक कंपोनेंट है, कार खुद भी तो एक कंपोनेंट है, सीट उसके अंदर एक कंपोनेंट है, चेसी एक कंपोनेंट है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आ गए। फिर ए से आप याद रख सकते हो एट्रीब्यूट्स, मतलब जो आपने ये कंपोनेंट्स बनाए हैं इनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। जैसे कार एक कंपोनेंट है, एक क्लास है, उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कार का कलर हो सकता है, कार का साइज हो सकता है, कार की कॉस्ट हो सकती है, इंजन, इंजन का टाइप हो सकता है, इंजन का आप लेट्स सपोज साइज ले लो या इंजन की पावर ले लो, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। सीट, सीट का मटेरियल ले लो कि किस मटेरियल से बनी है, सीट की कैपेसिटी ले लो, तो ये सारे उसके क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। और आर से हम लोग बात करते हैं रिलेशन की, मतलब ये जो कंपोनेंट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स हैं, इनका आपस में रिलेशन कैसे है, इन सब चीजों को यूएमएल डायग्राम में डिपिक्ट किया जाता है, बना के दिखाया जाता है। और किसके अंदर, स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर। बस ये याद रखना, क्योंकि ये सारे स्टैटिक कंपोनेंट है, हर एक कार में इंजन होगा, हर एक कार में चेसी होगी, हर एक कार के अंदर सीट्स भी होंगी, तो कहीं ना कहीं आप उन सारी चीजों को रिलेट कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं बिहेवियर डायग्राम की, मैंने क्या बोला, इसमें हम लोग बात करते हैं डायनामिक एस्पेक्ट्स की। यही चीज मैंने यहां पे भी लिखी हुई है, मेन जो आपके जो डिफरेंस है, स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बात करते हैं स्टैटिक एस्पेक्ट की, जिसमें मैंने वही बताया कि कंपोनेंट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप। यहां पे हम बात करते हैं डायनामिक एस्पेक्ट्स की, बिहेवियर में, कि एक्शंस क्या परफॉर्म करोगे। आपके पास कंपोनेंट्स आ गए, सब कुछ आ गया, उनके अंदर एक्शंस क्या परफॉर्म करोगे। लेकिन जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, आप वही कार वाला एग्जांपल ले लो, अब कार के कंपोनेंट्स पता लग गए आपको, एट्रीब्यूट्स पता लग गए, रिलेशन पता लग गए, लेकिन एक्शंस क्या परफॉर्म करोगे, क्या इंटरेक्ट करेगा, यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो कार को क्या करेगा, इंजन को स्टार्ट करेगा, इंजन को स्टॉप करेगा, तो ये क्या हो गया, एक एक्टिविटी होगी, काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो वो जो डायनामिक एस्पेक्ट है वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं। क्लच को प्रेस करके गियर को डालना, दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी। फिर उसके बाद रेस को देना, मतलब रेस को प्रेस कर रहे हैं, ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं, कार को टर्न कर रहे हैं, दिस इज ऑल द एक्शंस वी आर परफॉर्म्ड। तो ये सारे जो एक्शंस हैं, ये सारे एक्शंस जो है वो इसके अंदर लिखे जाते हैं, जो उसकी फंक्शनैलिटीज है, कार कैसे चल रही है, बैक हो रही है, रुक रही है, जो इसका एग्जॉस्ट सिस्टम चल रहा है, वो सारी चीजें जो है वो आपके बिहेवियर के अंदर कवर की जाती हैं। बस ये मेन कहानी जो है वो याद रखना, डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम रिस्पॉन्ड एंड बिहेव इन द डिफरेंट सिनेरियोस। तो ये डायनामिक एस्पेक्ट है, ये आपके स्टैटिक एस्पेक्ट है। कहीं पे भी पूछ लें आप, ये कार वाला एग्जांपल दे देना, कोई भी आपको इसके अंदर जो है वो गलत नहीं प्रूफ कर सकता। थैंक यू।